यहाँ के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है, और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। सर, बांग्लादेश की पीएम ने रिजाइन कर दिया और वो इंडिया आ गई। वो रिजाइन नहीं, वो भाग गई। जो तानाशाही होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है, और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक लें।